आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घून कतीरा के फवायद क्या हैं। नाज़रीन, घून कतीरे का सही इस्तेमाल और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अगर घून कतीरा आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। घून कतीरा ताकत का एक ऐसा खजाना है कि अगर गर्मियों के मौसम में घून कतीरे का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज्यादा फवायद रखता है। ये जिस्म की गर्मी को दूर करता है और आपको गर्मी के असरात से बचाता है। ये डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देता। अगर आप गर्मी के मौसम में घून कतीरे का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको लू भी नहीं लग सकती। मर्दों और औरतों के मखसूस अमराज में घून कतीरा बहुत ज्यादा मुफीद है। खवातीन के मखसूस अमराज में अगर घून कतीरे का इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बहुत ज्यादा फायदा पहुँचाता है। इसके अलावा खवातीन में नस्वानी हुसन बढ़ाने के लिए भी घून कतीरे का इस्तेमाल किया जाता है। घून कतीरा इस्तेमाल करने से आप लंबे अरसे तक जवान रहेंगे और आपकी स्किन पर झुर्रियां वगैरह भी नमूदार नहीं होंगी। और वो लोग जिनके घुटनों से उठते बैठते वक्त आवाजें आती हैं, अगर वो घून कतीरे का इस्तेमाल लाजमी कर लें और घून कतीरा उनके लुब्रिकेशन को बढ़ा देगा। घून कतीरा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाता है, आपके मैदे के लिए बहुत मुफीद है। घून कतीरे का इस्तेमाल अंदरूनी जख्मों को हील करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। घून कतीरे का इस्तेमाल आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है। अगर आप घून कतीरे का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो ये आपको बेहद फायदा देगा। घून कतीरा आसानी से किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाता है। नाज़रीन, घून कतीरा सख्त किस्म के दानों की शक्ल में होता है। आपने 15 से 20 ग्राम घून कतीरा जो आपकी उंगली के पोटे के मुताबिक होता है, इस साइज का आपने एक दाना या छोटे दाने हैं तो आप 2 दाने घून कतीरा के ले लें। इनको किसी बर्तन में पानी डालने के बाद इसमें भिगो दें। घून कतीरा को आपने पूरी रात भिगो कर रखना है, जिस बर्तन में आपने घून कतीरा को भिगोना है इसका साइज अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि घून कतीरा अपने साइज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा फूल जाता है। और इस तरह याद रखें कि घून कतीरे को आपने अच्छी तरह भिगोने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसे सही तरह से नहीं भिगोया होगा और गूंद की तरह ही इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपके मैदे में जाकर फूल जाएगा, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। गूंद कतीरा को आप किसी भी शरबत या मशरूब में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर शरबत, दूध या मिल्क शेक वगैरह में इस्तेमाल करने को तरजीह दी जाती है। अगर आम या केले का मिल्क शेक में गूंद कतीरा इस्तेमाल कर लिया जाए तो मिल्क शेक का जायका 2 बाला हो जाता है। गर्मियों के मौसम में अगर संदल के शरबत में घून कतीरे को डालकर इस्तेमाल किया जाए तो मैदे और जिस्म को बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाता है। कॉमेरिकल लेवल पर घून कतीरा चीजों को गाढ़ा करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जो चॉकलेट्स आप खाते हैं इसमें घून कतीरा शामिल होता है, और जो इसमें बाजार में जैली मिलती है इसमें भी घून कतीरा शामिल होता है। नाज़रीन, आइसक्रीम में घून कतीरा शामिल होता है। इन तमाम चीजों को गाढ़ा बनाने के लिए घून कतीरे को इस्तेमाल किया जाता है। हर उम्र के अफराद घून कतीरे को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फायदा भी उठा सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज भी घून कतीरा इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपने एक हफ्ते में 3 बार से ज्यादा घून कतीरे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब हम आपको घून कतीरा के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी बताएंगे। अगर जरूरत से ज्यादा या फिर गलत तरीके से घून कतीरे का इस्तेमाल किया जाए तो ये कुछ साइड इफेक्ट भी जरूर रखता है। घून कतीरे का मजाज चूंकि सर्द होता है, इसीलिए आपको नजला, जुकाम या फ्लू के दौरान घून कतीरे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। ये आपके फ्लू को बढ़ा देगा। घून कतीरे का इस्तेमाल इसी वक्त करना चाहिए जब तक सूरज मौजूद हो। सूरज ढलने के बाद घून कतीरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज रहती हो वो कतन घून कतीरे को इस्तेमाल न करें। हामला खवातीन और फीडिंग मदर्स भी घून कतीरा इस्तेमाल न करें। इसके अलावा जो अफराद मोटापे का शिकार हैं वो भी घून कतीरे को एहतियात से इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा घून कतीरा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका वजन बढ़ाने का सबब बन जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली हर नई खबर सबसे पहले आपको मिलती रहे।